खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान की। देखिए बॉलीवुड के किंग खान को कौन नहीं जानता होगा, उनका हजारों उनके फैंस हैं, लोग उनकी एक झलक पाने भर के लिए पागल रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी शाहरुख के सबसे बड़े फैन को देखा है, जो न सिर्फ उनकी तरह दिखते हैं, डायलॉग बोलते हैं, बल्कि लुक भी कुछ उन्हीं की तरह अपनाते हैं। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जूनियर शाहरुख खान से। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। बॉलीवुड के किंग खान, किंग ऑफ रोमांस, हजारों दिल जिनके लिए धड़कते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, जो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। वैसे तो किंग खान की पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन उनका एक सुपर फैन भी है जो हूबहू उनकी तरह दिखता है, उन्हीं की तरह डायलॉग बोलता है, डांस करता है। गौर से ना देखने पर आप भी धोखा खा सकते हैं। अच्छा, किंग खान की फिल्म जवान इन दिनों खूब चर्चा में है। फिल्म को प्रमोट करने में शाहरुख खान दिन रात बिजी है, लेकिन इसी बीच शाहरुख खान फिल्म सिटी के बॉलीवुड पार्क में हमें मिल गए हैं और हम उनसे बात करेंगे, उनके फिल्म के बारे में उसे जानेंगे। तो आपको मिलवाते हैं शाहरुख खान से, जो इस वक्त पीठ दिखाकर हमारे सामने मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। ये देखिए शाहरुख खान जो है वो खुद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो सर, जवान फिल्म आपकी जो है वो खूब चर्चा बटोर रही है, लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एक डायलॉग हो जाए सबसे पहले जवान फिल्म का। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, जब मैं विलन बनता हूँ ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग का अपना दोस्त राजू रई कुमार जूनियर शाहरुख खान मुंबई शहर से। आप लोग भी धोखा खा गए, मैं भी धोखा खा गया था। थैंक यू पंकज सर कि आप लोग आए न्यूज़ नेशन की तरफ से और हमारे पूरे बॉलीवुड पार्क गोरेगांव फिल्म सिटी की तरफ से कि आप लोग इतना कीमती समय निकालकर हमारे लिए आए। और कुछ कहना चाह रहे थे आप, प्लीज बोलिए। बिल्कुल, देखिए तो ये जूनियर शाहरुख खान है। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे शाहरुख वहां पहुंचे राजू। तो राजू भाई हमारे साथ हैं, जो शाहरुख खान के जूनियर तो हैं ही, लेकिन बहुत सारी मौकों पर उन्होंने शाहरुख के बॉडी डबल का काम। शाहरुख की तरह दिखने वाले ये राजू रही कवार है, जिन्हें लोग जूनियर शाहरुख के नाम से जानते हैं। राजू एक आर्टिस्ट है जो मुंबई के फिल्म सिटी के बॉलीवुड पार्क में शाहरुख खान बनकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। स्टेज पर जूनियर SRK यानी राजू का परफॉर्मेंस देखकर लोग खूब सीटियां और तालियां बजाते हैं। उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग जाती है। लेकिन महाराष्ट्र के छोटे से गांव से यहां तक का सफर राजू के लिए आसान नहीं था। शाहरुख जैसी शक्ल से पूरी दुनिया पे अपनी पहचान बनाने वाले राजू पर शुरुआत में लोग कहते थे कि शाहरुख उनके जैसे दिखते हैं, लेकिन अब लोग कहते हैं कि वो शाहरुख जैसे दिखते हैं। गांव में फिल्म रिलीज हुई थी दीवाना शाहरुख साहब की, मैं और मेरा दोस्त देखने के लिए गए थे वहाँ पे। जब हम लोग फिल्म देख के निकले तो एक लड़की ने मराठी में कहा, पाए मने शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान को दे। तो जस्ट मैं और मेरा दोस्त साइकिल से घर जा रहे थे हम लोग वापस, दूसरे गाँव में लगती है। तो मेरे दोस्त ने कहा, यार वो शाहरुख खान बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। मैंने कहा, ये कौन है? अरे वो अपने सर्कस फौजी वाला लड़का। तो हम शाहरुख साहब को फौजी और सर्कस के नाम से जानते थे, मुझे नहीं पता उसने बोला तो मैंने उतना माइंड नहीं किया। दो तीन दिन का देखता तो मोहल्ले की औरतें बोलने लगी, यार तो वो जो नया हीरो आया तेरे जैसा दिखता है करके। और जब शाहरुख साहब पॉपुलर होने लगे, उनकी और फिल्में आने लगी, किंग अंकल, बाजीगर वगैरह, तब फिर कहानी थोड़ी उल्टी गई। तो लोग बोलने लगे, भाई तू उसके जैसा लगता है। राजू के मन में दुनिया पर छा जाने की तमन्ना थी, लेकिन चुनौतियाँ उससे बहुत बड़ी थी। उन्होंने सबसे पहले एक डांस ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ से उनके भीतर स्टेज पर उतरने का कॉन्फिडेंस आया। वहाँ पे हम कैसेट लगाते थे, थोड़ा सा डांस करेंगे तो वहाँ के लोग हमें पहचान लेंगे। वो कर लिए, फिर दूसरे जगह पे, तीसरे मोहल्ले, ऐसे करते करते मैं अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मैंने मैयत में भी नाचा हूँ।
तो गांव के लोग होते अकल नहीं होती, तो हम लोग ने कर लिया चीज। फिर मैंने सोचा यार अभी इतना हम कर रहे तो कुछ नया किया जाए, तो हमने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, डांस क्लासेस वगैरह लगाई, ऑर्केस्ट्रा किया, फिर हम लोग डांस कॉम्पिटिशन में हमने भाग वगैरह लिया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और स्टेज पर अपनी कला को आजमाने के बाद राजू ने तय किया कि अब वो माया नगरी मुंबई जाएंगे और वहीं अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन उनके परिवार को ये नागवार था। एक दिन मैं ऐसी जस्ट मेरी माता जी बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा कि माँ मैं मुंबई जाना चाहता हूँ बॉम्बे, तो उतने में मेरे पिताजी आ गए। तो पिताजी बोले ये क्या बोल रहा है, बदतमीज बोले, ये बॉम्बे जाने की बात कर रहा है। तो मेरे डैडी ने जो कपड़े उतारे थे वो पहले और आए और उन्होंने मेरा बैग उठाया और जिसमें मेरे बुक्स रखे थे उसमें मेरे कपड़े डाले, चल मैंने कहा बस चल भाई अब तू यहाँ से निकल, क्योंकि मैं बहुत बिगड़ा लड़का था घर पे और बहुत बदतमीजी करता था, रोज नए नए लफड़े आते थे मेरे डैडी को सुनाए मैं कि लड़की छेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो हर यंग उम्र में हर बच्चा करता है, मैं कुछ ज़्यादा ही करता था। तो फिर पिताजी ने मुझे ले जाके स्टेशन पे छोड़ दिया, भाई जा रहा है वापस मत आना। बोला डैडी मैं जाऊँगा कहा, अब वो तू देख तेरे को क्या करना, तेरे को शाहरुख खान बनना चले जा तू, ये बोल के सर उन्होंने छोड़ दिया। सर वो मैं स्टेशन पे पूरी रात भर बैठा, मैं यार घर जाऊँगा तो डैडी मारेंगे, और 5,000 भी दिया और डब्बा भी दिया बना के, जा रहा है साले वापस मत आना। वो मुंबई आ तो गए, लेकिन मुंबई का ये शहर कुछ देने से पहले लोगों को आजमाता है। आज जूनियर शाहरुख के नाम से जाने जाने वाले राजू को कभी स्टेशन पर भी सोना पड़ा था। सुसुक रहने का जुगाड़ नहीं था, मैं स्टेशन पे सोता था और एक चुनका भाकर होता था 2.5-3 रुपए का मिलता है, वो मैं खाया करता था। फिर वहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की और मैं रुकता था जहाँ मेरे को जुगाड़ मिला, जब उनके ऑर्केस्ट्रा में मुझे चांस मिला, जहाँ लाइट साउंड रखा जाता है वहाँ पे मैं सोता था। तो माइक कैसे पकड़ना है, डायलॉग कैसे बोलना, तो वो मुझे ओपी सिंह साहब ने सिखाया। वो मेरी जर्नी रही, वहाँ से धीरे धीरे करते करते शो करने लगे। तो उस वक्त मुझे मेरा प्राइस था शो का 50 रुपये और टिकट्स पे लिखा रहता था जूनियर शाहरुख खान नाइट, और टिकट का रेट था 75 रुपये और मुझे मिलता था 50 रुपये और खाने का मिलता था 20 रुपीज। राजू को ऑर्केस्ट्रा में काम मिलने लगा, लोग उन्हें पहचानने लगे, उनके शो हिट जाने लगे, लेकिन फिर भी डायलॉग बोलने में घबराते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उनकी डायलॉग डिलीवरी को ही उनकी पहचान बना दी। फिर भैया ने बोले भाई ये चौथा शो है, तेरे को पहले डायलॉग्स बोलना पड़ेगा। बोला हाँ भैया बोल लूंगा, ठीक है। अब मैं बैक स्टेज पे तैयार भी नहीं हुआ, मैं बैठा हूँ और सडनली ओपी भैया ने बोल दी, लीजिए आप लोग के सामने आ रहे जूनियर शाहरुख खान। मैं कुछ नहीं, मैं चप्पल भी नहीं पहना हूँ, मैं ऐसे ही हूँ और मेरे हाथ में बुक्स है, मैं डायलॉग्स याद कर रहा हूँ, आ जा आ जा। तो मैं माइक चालू है और मैं उनसे कह रहा, मतलब भैया आज नहीं बोलूँ कल बोलूँ, चलेगा डायलॉग्स बोले। तो उन्होंने मेरा बैग लिया और ऐसा फेंक दिया, बोले ये शाहरुख खान बनना है। वहाँ पहला लाइन उनके मैंने मुँह से सुना था, शाहरुख खान मतलब टैलेंट, तेरे जैसे बहुत आते बहुत जाते, बोले तू क्या कर पाएगा, बोले बोल के उन्होंने मेरा बैग फेंक दिया। सर बैग फेंकने के बाद मैं बैग उठा के जाने लगा, भाई जा गाँव वापस जा। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने बोला भाई डर गया क्या। तो जैसे उन्होंने डर गया बोला, तो मैं डर का डायलॉग से याद करता, तो मैंने पहला डायलॉग्स बोला था, आई लव यू किरण, इस मैं तो लव की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है तो मेरी हो सिर्फ तेरी। पहली बार डायलॉग बोलना भले ही मुश्किल हो, लेकिन अब वो शाहरुख के सारे डायलॉग उन्हीं के अंदाज में बोल लेते हैं। ये सर मैं लंदन, अमेरिका, कनाडा, हर जगह सब जगह पे मैंने शोज किया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आज भी लोगों से जब पूछता हूँ कि आपको कौन सा फिल्म का डायलॉग सुनना है, तो वो क्या हो जाता है सर कि लोग आज भी ये बोलते हैं कि भाई डर, बाजीगर, दीवाना, राम जाने अंजाम, और राम जाने बहुत बेहतरीन फिल्म है जो मेरे बहुत दिल के करीब है। उस पिक्चर में डालोगे ए साला काय को झूठ बोलता रहे, काय को साला पूरी को बचाने का कोशिश करता है, अबुर साला सिला धन कर बोलता रहे, अबुर मारा साला भाव को, अबुर मारा साला बुरु को अपने चोरा छोटे छठरे साला क्या करेगा तू, फांस दे दिखापुर के दो। इस टाइप के डायलॉग्स होते, तो बड़े बड़े डायलॉग्स होते शाहरुख साहब के, वो बोलना पड़ता है। इस सवाल पर कि शाहरुख बनना कैसा लगता है, वो बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के कई अलग अलग हिस्से होते हैं। मैं एक बायोग्राफी बना रहा हूँ जो मेरी है, जिसका नाम है शाहरुख बनना आसान है। वो दिख सकता है, कर सकता है, लेकिन वो बन नहीं सकता है। शाहरुख साहब सिर्फ एक ही है, दूसरे शाहरुख साहब हों। तो हमारी जो ये बायोग्राफी है, इसमें हमने यही दर्शाया कि भाई शाहरुख साहब जैसा कोई है ना था
ना रहेगा, वो वन लाइन एक ही है, हम जो है वो सब उनकी कॉपी है। देखो किसी के नाम से किसी का घर चलता है, तो शाहरुख साहब के नाम से मेरा घर मेरा काम चलता है, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उनके उनके पूरे परिवार को। बॉडी डबल, डुप्लीकेट, मिमिक्री, इन सभी आर्ट फॉर्म्स का एक अलग ही स्टाइल होता है। आर्टिस्ट को दूसरे कलाकार की पूरी शख्सियत को अपने भीतर लाना पड़ता है। आवाज का हर उतार चढ़ाव, बॉडी के हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग ये सवाल उठाते हैं कि खुद की एक्टिंग क्यों नहीं करते, दूसरे की नकल क्यों उतारते हो। एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वहाँ पे डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन सब लोग हैं। तीन घंटे में सिंगर 4-5 बार आता है, एंकर 4-5 बार आता है। अब 30,000 पब्लिक में 30 सेकंड के लिए आप सिर्फ इतना बोल दो, राजू रई कुमार जूनियर शाहरुख खान आ रहे हैं, तो सर 30 सेकंड में 30,000 पब्लिक आपको पहचानती, इससे बड़ी बात क्या चाहिए। का लुक हमेशा मीडिया हेडलाइंस में रहता है, अलग अलग स्टाइल में लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका हर लुक ट्रेंड बन जाता है। लेकिन राजू अब भी उनकी पुरानी रोल जैसा ही लुक रखते हैं। एक बॉडी डबल के लिए हर वक्त अपना 100% देना जरूरी है, चाहे वो मेकअप हो या बॉडी वेट। कुछ भी कलाकार से अलग होने पर करियर पर खतरा मंडराने लगता है। और ये जो मेकअप आप हमेशा करके रखते हैं, ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा दिन इतना तो शाहरुख भी अपने आप को समय नहीं देते होंगे जितना आप शाहरुख को समय देते हैं। नहीं नहीं, क्या होता है सर, वो नकल में भी अकल की जरूरत होती है। जब अगर आप किसी को अपने बॉडी में लाते हो, उनकी पर्सनालिटी जीते हो, तो आपको 100% देना पड़ता है। यहाँ जो ऑडियंस आती है, टिकट निकाल कर आती है, तो इन्हें हमें वो फील कराना पड़ता है कि आई एम लुक लाइक ऑफ शाहरुख खान। वो जब देखते तो उस जोन में चले जाते हैं। अगर उन्हें 100% नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उनके भी कमेंट्स आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा करके दे पाए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रमोटर, जहाँ शाहरुख साहब नहीं पहुंच पाते, मैं वहाँ पहुंच के परफॉर्मेंस देता हूँ, शोज करता हूँ, तो इससे क्या होता है, लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, और शाहरुख भाई को जो पसंद करते हैं वो मुझे पसंद करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं शाहरुख साहब के बीच में उनके लोगों के साथ रहता। राजू बताते हैं कि एक बार वो शाहरुख खान से मिले थे और तब शाहरुख खान ने उन्हें अपना नंबर भी दिया था। शाहरुख खान की मूवी जवान लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। पहले ही दिन जवान मूवी ने 75 करोड़ की कमाई की। पठान मूवी से किंग खान ने वापसी की, तो किंग खान के फैंस ने जवान मूवी को हिट कर बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की बादशाहत को मजबूत कर दिया। आज हम आपको किंग खान के ऐसे ही दीवाने से मिलवाएंगे जो न सिर्फ शाहरुख का जबरा फैन है, बल्कि हूबहू दिखता भी शाहरुख जैसा है। गौर से देखिएगा, बॉडी लैंग्वेज शाहरुख खान जैसी है। जब डांस के फ्लोर पर थिरकते हैं तब भी शाहरुख की याद आती है, और डायलॉग डिलीवरी सुनकर तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये शाहरुख खान बोल रहे हैं या फिर उनके लुक अलाइक। आई लव यू किरण, इस बहत लव की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है तो मेरी हो, सिर्फ मेरी। यज्ञ मंत्र सब धोखा है, सुनील ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने सिंदूर जो तुम्हारी मांग में डाला है, ये मेरे खून से धुलेगा। नाम है राजू रहिकवार। शाहरुख का सिग्नेचर स्टेप हो या फिर उनके डायलॉग्स, शाहरुख से जुड़े हर किरदार को राजू बखूबी मनाते हैं, और एक्टिंग तो ऐसी कोई पहली नजर में ही धोखा खा जाए और बोल उठे आइला ये तो शाहरुख है। राजू एक आर्टिस्ट हैं जो मुंबई के फिल्म सिटी के बॉलीवुड पार्क में शाहरुख खान बनकर लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। इतना ही नहीं, राजू रहिकवार कई बार शाहरुख खान का बॉडी डबल भी कर चुके हैं। आखिर बॉडी डबल क्या है और किंग खान की तरह अभिनय करना कितना मुश्किल है, ये खुद राजू की जुबानी सुनिए। बॉडी डबल जो होता है कि जब जो स्टार बहुत बिजी होते हैं और उनके लिए लाइटिंग लगी होती है, जैसे यहाँ लाइटिंग लगी हुई है, तो 1.5-2 घंटा लाइटिंग सेट करने में लगता है, तो उनके जैसे कॉस्ट्यूम पहनना, वहाँ खड़े रहना, गेटअप वगैरह लेके, तो वो लाइटिंग जब सेट होती है तो ये बॉडी डबल हटते हैं, फिर ओरिजिनल आते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे शाहरुख साहब के बहुत से काम बहुत से लोग करते हैं, बॉडी डबल करते हैं, स्टंट वगैरह करते हैं, और जहाँ शाहरुख भाई नहीं अवेलेबल हो पाते तो वो चीज़ हो जाती है। नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। जब अगर आप किसी को अपने बॉडी में लाते हो, उनकी पर्सनालिटी जीते हो, तो आपको 100% देना पड़ता है। यहाँ जो ऑडियंस आती है, टिकट निकाल कर आती है, तो इन्हें हमें वो फील कराना पड़ता है कि आई एम लुक लाइक ऑफ शाहरुख खान। वो जब देखते तो उस जोन में चले जाते हैं। अगर उन्हें 100% नहीं मिला तो हमारी कोशिश होती कि हम अच्छे से अच्छा करके दे पाए।
राजू को जूनियर शाहरुख भी कहते हैं। आखिर जूनियर शाहरुख बनने का ख्वाब राजू के मन में कहां से आया, इसको भी राजू ने बयां किया। एक्चुअली गांव में फिल्म रिलीज हुई थी दीवाना शाहरुख साहब की, मैं और मेरा दोस्त देखने के लिए गए थे वहां पे। जब हम लोग फिल्म देख के निकले तो एक लड़की ने मराठी में कहा पाए मैंने शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान को देख। तो जस्ट मैं और मेरा दोस्त साइकिल से घर जा रहे थे हम लोग वापस, दूसरे गाँव में लगती है, तो मेरे दोस्त ने कहा यार वो शाहरुख खान बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। मैंने कहा ये कौन है? अरे वो अपने सर्कस फौजी वाला लड़का। तो हम शाहरुख साहब को फौजी और सर्कस के नाम से जानते थे, मुझे नहीं पता उसने बोला, तो मैंने उतना माइंड नहीं किया। दो तीन दिन के बाद देखता तो मोहल्ले की औरतें बोलने लगी यार तो वो जो नया हीरो आया तेरे जैसा दिखता है करके। और जब शाहरुख साहब पॉपुलर होने लगे, उनकी और फिल्में आने लगी, किंग अंकल, बाजीगर वगैरह, तब फिर कहानी थोड़ी उल्टी गई, तो लोग बोलने लगे भाई तू उसके जैसा लगता है। तो मैंने भी सोचा यार कुछ करना चाहिए, तो मैंने शाहरुख साहब के डायलॉग सीखा, डांस सीखा, एक्टिंग सीखा। मुंबई तक का सफर राजू के लिए इतना आसान नहीं रहा है। खुद से गांव में मुंबई आकर पैर जमाने में काफी समय लगा था, लेकिन राजू की तमन्ना तब पूरी हुई जब किंग खान से पहली मुलाकात हुई। शाहरुख भाई को हॉली फैमिली हॉस्पिटल में देखा, वहां मेरी पर्सनली मुलाकात हुई थी शाहरुख साहब से। शाहरुख साहब और गौरी भाभी थे और आर्यन उस वक्त बहुत छोटे थे, तो मेरे दोस्त की सिस्टर एडमिट थी वहाँ पे। तो मैं शिरडी से आ रहा था, तो मेरे दोस्त ने लहर मेरी दीदी एडमिट है चलो राजू, तो हम लोग वहाँ गए। जब हमने देखा तो मुझे, मैं क्या देखता हूँ कि मैं बाहर खड़ा और मुझे ऐसा लगा कोई शाहरुख भाई जैसे कोई बंदे खड़े। मैं बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, सेम शाहरुख खान कैसे हो सकते हैं? तो मैं देखा तो शाहरुख भाई ही खड़े। अब जब शाहरुख साहब निकले, मैंने उन्हें सलाम करके पैर पड़ा, बोला भाईजान मैं राजू आपकी कॉपी करता हूँ। तो बोले क्या करते हो? बोला भाईजान मैं आपकी कॉपी करता हूँ, आपके नाम से मेरा काम चलता है, ये मोबाइल कपड़ा लगता सब आप ही के देने। बोला तो हंसने लगे, फिर उन्होंने अपना नंबर दिया, राजू तुम मुझे फोन करके ऑफिस मिलने आना। किंग खान से मुलाकात के बाद तो राजू के दिन ही बदल गए। राजू को कुछ सीरियल्स में काम मिल चुका है, उन्होंने कुछ वीडियोस भी किए हैं, और जब जब किंग खान भी आती है तो राजू उसको जमकर प्रमोट करते हैं, हिट होने पर मिठाई भी बांटते हैं। जब भी शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज होती है तो शाहरुख खान का ये जबरा फैन उनके लिए भगवान के हर दरबार पर माथा टेकने जाते हैं। राजू का ऐसा मानना है कि किंग खान की मूवी हिट होती है तो उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है, और एक बार फिर जब जवान ने बॉक्स ऑफिस पर दौड़ लगाई तो राजू रही कबार भी लाइमलाइट में आ गए। टीम न्यूज़ नेशन।